प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक रूपरेखा अमृतकाल विजन 2047 पेश करेंगे। यह ब्लूप्रिंट बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से रणनीतिक पहल का उल्लेख करता है। बता दें कि यह शिखर सम्मेलन 19 अक्टूबर तक मुंबई के MMRDA मैदान में आयोजित किया जाएगा। वहीं इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो इस दिन नहीं जब भारत दुनिया के top 3 इकोनॉमिक देशों में से एक होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट के दौर में भारत की आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। इस कार्यक्रम में गोवा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री व डिप्टी CM भी मौजूद रहे। इसके अलावा PM मोदी ने गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में 4500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले टूना टैकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला भी रखी। कार्यक्रम के दौरान समुद्री क्षेत्र में वैश्विक और राष्ट्रीय साझेदारी के लिए 7,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के 300 से अधिक समझौते ज्ञापन को भी पेश किया। विश्व भर से आए सभी अतिथिगण, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी, महाराष्ट्र गोवा के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट के तीसरे संस्करण में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इससे पहले जब हम 2021 में मिले थे तब पूरी दुनिया कोरोना की अनिश्चितता से घिरी हुई थी। कोई नहीं जानता था कि कोरोना के बाद का विश्व कैसा होगा, लेकिन आज दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है और इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में पूरा विश्व भारत की ओर नई आकांक्षाओं से देख रहा है। आर्थिक संकट से घिरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की top 3 इकोनॉमिक पावर में उसमें से एक होगा। हम सब जानते हैं कि दुनिया का मैक्सिमम ट्रेड सी रूट से ही होता है। पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में आज दुनिया को भी रिलायबल और रेजिलियंट सप्लाई चेन्स की जरूरत है। इसलिए ग्लोबल